हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वापस से एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले आपको ये पता होगा कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। नहीं, ये रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है, मालूम है तेरे बाप को। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। और आज हम जो है वन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले, जो एक कैंडल से बनता है। अगले वीडियो में हम टू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। वैसे धीरे धीरे जो है सारे टॉपिक कवर होंगे, तो मेक श्योर अगर आपको ये सारे टॉपिक के बारे में प्री में डिटेल में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास जो हमारी, हम लेंगे कैंडल स्टिक के ऊपर। सबसे पहला जो पैटर्न आता है हैमर। हैमर के बारे में आप सब लोगों ने काफी सुना होगा कि सपोर्ट पे हैमर बनाए या फिर कहीं पे हैमर बना प्राइस वास में ऊपर निकल गया। तो हैमर क्या होता है एग्जैक्टली, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो देखो मैं आपको जो है मेरे एक्सपीरियंस में सिखाने वाला हूँ, हो सकता है आपने कोई बुक में इसके बारे में डिफरेंट पढ़ा हो, कहीं पे आपने इसके बारे में डिफरेंट पढ़ा हो, पर मैं आपको जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके बारे में सिखाने वाला हूँ। तो देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि इसमें कलर मैटर नहीं करता। अच्छा, हैमर का कलर कोई भी हो सकता है। बुक्स में लिखा है कि स्पेसिफिकली ग्रीन होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। आज के मार्केट को देखो, ट्रेडिंग इज अडॉप्टिंग द चेंजेस, ट्रेडिंग में आपको चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो चेंज चालू है उसमें क्या है, कलर मैटर नहीं करता। पर यहाँ पे एक चीज जो है कंडीशन मेरी आती है वो है कि ये सपोर्ट पे बनना चाहिए। जब भी हैमर सपोर्ट लेवल पे फॉर्म होगा तो वो आपके लिए परफेक्ट एंट्री होगी। देखो मैं पहले आपको जो एंट्री जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आज अभी चार कैंडल स्टिक पैटर्न कवर करने, वो चार हम कवर करेंगे। उसके बाद हर कैंडल में एंट्री कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखो सबसे पहले हैमर की बॉडी आप देखो कैसे रहती है, बुलिश हैमर की। सबसे पहले हैमर बुलिश हैमर सपोर्ट पे बन रहा है तो जाहिर सी बात है प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में आएगा, और प्राइस ऐसे डायरेक्ट नीचे आता नहीं है, धीरे धीरे करके नीचे आएगा। ये है हमारा एक सपोर्ट लेवल। यहाँ पे हैमर बनना यानी ऐसे हैमर बनना, इसका मतलब क्या होता है कि देखो सेलर ने ट्राई किया प्राइस को नीचे ले जाने का, विक हमको बड़ी दिख रही है। इसका मतलब क्या, सेलर ने ट्राई किया प्राइस को नीचे ले जाने का पर नीचे नहीं ले जा पाए, नीचे नहीं ले जा पाए, बायर्स ने जो है कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर लाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मार्केट इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर जो है डर जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेलर डर जाते हैं, तो सेलर क्या करते हैं अपनी पोजीशन कट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बायर जो है, बायर तो यही देखते हैं कि कहाँ हमारे मोमेंटम मिल रहा है वहाँ आ जाए, या फिर बायर्स आ जाते हैं मार्केट में, उसके बाद प्राइस को ऊपर साइड पुश करते हैं। तो ये देखो, उसके बाद ये जो है हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे वर्क करता है। इसमें रेड हो ग्रीन हो कलर डजंट मैटर, पर कैंडलस्टिक का जो ये है मतलब कैंडल हमें ऐसी दिखनी चाहिए जिसकी बॉडी छोटी हो और ऑन द टॉप साइड हो। देखो इसमें भी एक है, इसमें कभी कभी थोड़ी बहुत वीक रहती है, ऐसा नहीं बिना वीक के आपको कैंडल मिलेगी। आजकल के मार्केट में प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बहुत कम मिलता है, इसमें थोड़ी बहुत वीक तो रहेगी और बॉडी छोटी रहेगी, वीक थोड़ी ज्यादा बड़ी रहेगी नीचे के साइड। तो बस ये इसका कैंडलस्टिक का जो हम बोलेंगे कि ऐसे हम ये दिखती है, ऐसे हमको स्पॉट करना है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो अभी ये क्या है, चार्ट एग्जांपल है हैमर का। देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में, डायरेक्ट आता नहीं बताया था, ऊपर नीचे करते हुए प्राइस डाउन ट्रेंड में, ये एक सपोर्ट लेवल पकड़ो समझ लो, यहाँ पे हैमर बनी। अब एंट्री कैसे लेना है मैं आप लोगों को, अभी भी एंट्री आपके अगर जो सेकंड कैंडल रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में ये सेकंड कैंडल है, तो ये कैंडल का जो हाई है वो आप मार्क करोगे, क्या करोगे, ये कैंडल का जो हाई है उसे मार्क करोगे और उसके ऊपर बाइंग के ट्रेड कर जाओगे। यहाँ पे आपको आराम से 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस की बात अभी आप एक बार समझ लो, सब में एंट्री सेम ही होगी, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर होगी बुलिश में और सेकंड कैंडल के लो के नीचे होगी बेयरिश में। तो जब भी सेकंड कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा आपको बाइंग का ट्रेड लेना है। आपका टारगेट जो है 1:2 का रहेगा, मतलब अगर आप 6 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आपका 12 रुपए का टारगेट रहेगा। ये सिंपल सी एक बात है। इसके ऊपर एंट्री कैसे लेना है उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं उतना क्लियरली अभी आपको ये वीडियो में बता नहीं रहा हूँ। इसके ऊपर एंट्री कैसे लेना है उसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। और अभी आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि ये जो है ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको सपोर्ट पे ढूंढना है और कैसे दिखती है, बस आपको वो बातें अभी समझनी है फिलहाल। उसके बाद आता है हैंगिंग मैन। अभी देखो आप बोलोगे हैमर भी सेम ही दिखती है, हैंगिंग मैन भी सेम ही दिखती है, दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न तो सेम ही दिख रही है, फिर फर्क क्या है दोनों में, इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों है, इसका नाम उसका नाम हैमर क्यों है। तो यहाँ पे देखो कैंडलस्टिक कौन सी है, बेयरिश है, तो बेयरिश है तो कहाँ बनेगी, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस पे बनेगी, रेजिस्टेंस पे बनेगी इसलिए इसको हम बेयरिश कैंडल बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस अपसाइड आ रहा है, पर क्या हो रहा है पहले सेलर जो है उसको लो साइड में भी लेके आए। तो यहाँ पे क्या होता है, लो में लाके जब प्राइस हाई पे क्लोज हो जाता है तो आप सेलर जो है बायर्स को डराते हैं, बिना क्या कहता है डरेगा वो घर जाएगा। तो डरने के बाद लोग अपनी सेलिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगली कैंडल अगर जो भी बनती है वो कैंडल का अगर लो ब्रेकआउट होता है, लो टूटता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे सेल की एंट्री लोगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी देख लो एग्रीमेंट कैसे बननी चाहिए, स्मॉल और नो अपर शैडो, मतलब छोटी सी या फिर नहीं रहनी चाहिए ऊपर के शैडो, और ये बनेगी रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे बनती है तो हैंगिंग मैन है, सपोर्ट पे बनती है तो आपकी हैमर है। सिंपल सी बात है, ये आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। इसका एग्जांपल देख लेते, प्राइस आया अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में आया, हैंगिंग मैन बनी, प्राइस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, आपकी एंट्री क्या होगी,
इसके लो के नीचे होगी आपका 1:2 का टारगेट आपको आराम से मिल जाए। इसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर। अभी हमारे दो पैटर्न रह गए बस, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, तो दोनों के बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हमारा आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब सबसे पहले होता है उल्टा। उल्टा क्यों बोलेंगे हम? हैमर हमारा ऐसा था, ये हमारा हैमर था कहीं ना कहीं। अब ये देखो, इसमें बॉडी जो है नीचे की साइड आ गई, विक जो है ऊपर की साइड आ गई। हैमर में बॉडी हमारी यहाँ थी, इसमें हमारी बॉडी यहाँ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो ये भी कौन सा पैटर्न है? बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न का मतलब क्या होता है? देखो, प्राइस डाउन ट्रेंड में आया, सपोर्ट पे ये कैंडल बनी, इसका मतलब क्या हुआ? बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया था प्राइस को ऊपर ले जाने, किया था, तो यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो ये कैंडल क्या था, दूसरी कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेकआउट होता है तो आप वहाँ पे बाय की एंट्री ले सकते हो। अगेन, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता और इसमें भी छोटी सी या फिर लोअर शैडो नहीं रहेगी, ये बात आपको क्लियर है, मैं मानता हूँ। चार्ट एग्जांपल देखो, प्राइस आया आया, ये कैंडल बनी, ये कैंडल सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर आपने एंट्री ली, आपका आराम से 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल गया। कैंडल देखो कैसी बनी है, बराबर है। उसके पहले क्या हुआ? ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद भी है कि ये कैंडल बनी, तो ऐसा कंफर्मेशन ज्यादा है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो रहे हैं और प्राइस इसके बाद अब जा रहा है। अब आता है हमारा आज का लास्ट पैटर्न, जो कि हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है और पैटर्न के बारे में बात करेंगे और पार्ट टू में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप देख नहीं पाओगे साथ में। तो देखो, उसके बाद आता है हमारा शूटिंग स्टार बेरिश कैंडलस्टिक। ये कौन सी कैंडलस्टिक है? बेरिश कैंडलस्टिक है। बेरिश कैंडलस्टिक इसको मैं क्यों बोलूंगा? सबसे पहले देखो, इसका हाई है, बेरिश है तो रेजिस्टेंस पे बनेगा, बराबर है। तो ये कैंडल की भी देखो बॉडी नीचे की तरफ ही आ रही है, नहीं क्या बता, पर बनेगी, सपोर्ट पे बनेगी वो बुलिश कैंडल होगी, रेजिस्टेंस पे बनेगी तो बेरिश कैंडल होगी। नाम बस चेंज हो जाएंगे, इन्वर्टेड हैमर जब रेजिस्टेंस पे बनेगी उसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। शूटिंग स्टार जो बोलेंगे ये बनने का प्राइस तो ड्रास्टिकली नीचे आता है, तो जल्दी प्राइस नीचे आ जाता है, इसलिए इसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस में कैंडल बनी, बायर्स ने ट्राई किया प्राइस को ऊपर ले जाने का, पर सेलर्स ने सबसे नीचे लाके प्राइस बंद कर, मतलब सबसे लो पॉइंट पे सेलर्स ने प्राइस बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है बायर्स डर जाएंगे, वो अपनी जो पोजीशन है उसको एक्सिट करेंगे और यहाँ पे न्यू सेलर्स मार्केट में आएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस पे उनको एक नेगेटिव साइन मिलता है। तो बस सिंपल सी बात है, इसके बाद प्राइस जो है नीचे आता है, इसका भी कंफर्मेशन है। देखो अभी मैं आपको बताऊँ, आप जो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हो इसको आपको सिर्फ डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है, पहले इसको प्रैक्टिस करना है। कब ये कैंडल बनती है तो काम करती है, कब ये काम नहीं करती, ये जो है आपको सब लोगों को ये चीजें देखनी पड़ेगी और वो आपको सप्ताह के साथ आएगा प्रैक्टिस के साथ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप चार्ट देखोगे, आपको समझ में आएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे सब फ्री में सिखा रहा हूँ, तो आपको आपका काम यहाँ पे क्या है, ये होने का आपको बस देख के छोड़ना नहीं है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, आपको जो है इसको मार्केट में देखना है जब बन रही है कैसे काम कर रही है, तभी आप जाके एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और यहाँ पे पूरी सीरीज आने वाली है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी शूटिंग स्टार कैंडल का हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले एक बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ बनी शूटिंग स्टार, ये कैंडल के लो के नीचे आपकी एंट्री हो गई, आपको आपका टारगेट बन गया। शूटिंग स्टार यहाँ पे बनी, उसको कैसे यूज समझेंगे हम वो बताता होगा आपको एक बार, सिंपल सी बात। शूटिंग स्टार देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, बायर्स जो है स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, बायर जो है डर गए कि अभी यहाँ से सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं, सेलर्स आने पर प्राइस नीचे आता है, वापस बायर ने ट्राई किया, वापस सेलर आ गए तो और कंफर्मेशन मिल गया और उसके बाद प्राइस में आ गया। तो गाइस देखो, आज की वीडियो में हमने सिर्फ चार पैटर्न के बारे में पढ़ा है, अगले वीडियो में मैं आपको चार पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद हमारे वन कैंडल स्टिक पैटर्न खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमको टू और मेनी वाले देखने। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ मदद हुई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।